नमस्कार दोस्तों, कंप्यूटर ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि हमें एमएस वर्ड सीखना क्यों ज़रूरी है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि एमएस वर्ड दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला सॉफ्टवेयर है, या आप इसको इस तरह कह सकते हैं कि एमएस वर्ड को आज की डेट में छोटी से लेकर बड़ी कंपनी, मतलब कि जैसे मान लीजिए कि कोई छोटी कंपनी है और एक एमएनसी कंपनी है, तो हर कोई एमएस वर्ड को यूज कर रहा है। यहाँ तक कि एमएस वर्ड का यूज मेडिकल फील्ड में, हॉस्पिटल में, रेस्टोरेंट में, और स्टूडेंट कॉलेज, स्कूल कॉलेज, और मतलब आप कह सकते हैं कि मल्टीपल जितने भी बिजनेस रन होते हैं, चाहे एक्स वर्ड चाहे कोई भी बिजनेस हो, वहाँ पर एमएस वर्ड का यूज होता है। अब आप सोचेंगे ऐसा क्या है कि इसमें इतना ज़्यादा यूज होता है, तो मैं आपको बता दूं, एमएस वर्ड में जितने भी डॉक्यूमेंट्स का काम होता है, मीन्स जितने भी फाइलिंग का काम होता है, जो ये आप कह सकते हैं कि जो वर्ड प्रोसेसिंग जो हम टाइप करते हैं, वो सारा काम एमएस वर्ड में होता है। या आप इसको इस तरह समझ सकते हैं कि जैसे जब एमएस वर्ड नहीं था, जब मान लीजिए ये सॉफ्टवेयर नहीं आया था, तब ये सारा काम हम एक पेपर में पेन के द्वारा किया करते थे, लेकिन जब ये सॉफ्टवेयर आ गया तो उसके बाद हम सारा काम इसमें करने लगे। इसके पहले लोग आप समझ, या तो आप इसको इस तरह समझिए कि बहुत समय पहले जब ये कंप्यूटर का आविष्कार नहीं हुआ था, तब लोग कागजों पे या उसके बाद कपड़ों पे लिखा करते थे, उससे पहले लोग पत्तों पे लिखा करते थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे मतलब टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, तो धीरे धीरे ये सारा सब कुछ चेंज हो गया। और फिर माइक्रोसॉफ्ट ने एमएस ऑफिस को लॉन्च किया और उसमें एमएस वर्ड को लॉन्च किया, तो इस तरह हम धीरे धीरे एमएस वर्ड पे सारा काम शिफ्ट हो गया। और एमएस वर्ड पे यदि आपको मान लीजिए यदि आप प्राइवेट जॉब करते हैं या गवर्नमेंट जॉब करते हैं, तो वहाँ पर भी आपको एमएस वर्ड सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि मोस्टली सारा काम एमएस वर्ड में होता है। ऐसा नहीं सिर्फ एमएस वर्ड में ही होता है, इसके साथ एक्सेल भी है, पावर पॉइंट भी है, और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, लेकिन मोस्टली जो सबसे ज़्यादा पूरे वर्ल्ड वाइड, या कह सकते हैं भारत को ही नहीं, भारत में ही नहीं, मतलब वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा यूज होने वाला सॉफ्टवेयर एमएस वर्ड है। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ एमएस वर्ड ही ऐसा सॉफ्टवेयर है, इसका अल्टरनेटिव भी है, जैसे गूगल डॉक है, ऑफिस 365 है, लेकिन एमएस वर्ड क्या है कि एमएस वर्ड सबसे पुराना है, ओल्ड है, और इसका और लोग इसको ज़्यादा इसको यूज करते हैं। और मेन जो है इसका मैंने आपको बता दिया कि एमएस वर्ड क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। अब आपको इसको कैसे सीखना है, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि मैं डेली भी मतलब इस पर मैं वीडियो बनाऊंगा, और इसके मेन मैं टॉपिक कवर करूंगा, मीन्स एमएस वर्ड में काम कैसे करते हैं और ऑफिस में काम कैसे करते हैं, कौन कौन से इसके टिप्स एंड ट्रिक हैं, क्या इसमें हम करें क्या ना करें, और किस तरह हम इसमें मास्टर हो, इस सब पर हम डिटेल में बात करेंगे। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहता हूं। और दोस्तों यदि आपको मेरे बारे में ना पता हो तो मैं बता दूं, मैं पिछले 15 साल से कंप्यूटर एंड आईटी फील्ड में काम कर रहा हूं, और मैंने जो भी इन 15 सालों में सीखा है, मैंने जो भी एक्सपीरियंस किया हुआ है, अब मैंने क्या किया है कि मैंने लगभग 10 से लेकर 15 सॉफ्टवेयर पर मैंने काम किया है। उसमें आपका एमएस वर्ड हो गया, ऑफिस हो गया, डिजाइन सॉफ्टवेयर हो गए, और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जिनको मैं यहाँ बता नहीं सकता, लेकिन मैं हम जैसे जैसे इसमें आगे बढ़ेंगे सबके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।